हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट फाइव मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज बिगनिंग विद द फॉलोइंग कंपाउंड। तो होमोलोगस सीरीज में बच्चे आपको क्या करना होता है, सी एच टू एड करना होता है, बेसिकली हाइड्रोजन हटाना है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड तोड़ना है एंड इसके बीच में एक सी एच टू लगा देना है। बेसिकली हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देना है, सी एच थ्री। एक एच पहले ही था, सी एच टू हमने लगाया तो क्या बन गया, सी एच थ्री। क्लियर? देखो, एंड फॉर्म कोई भी फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ थे वो वहीं रहेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे जो फर्स्ट है उसमें आपको जो फर्स्ट मेंबर है वो दिया हुआ है ये। अब मैं इस फंक्शनल ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं ये कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड दिया हुआ है यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाल दूंगा एंड हाइड्रोजन बाहर निकाल के क्या लगा दिया, सी एच थ्री। तो ये सेकेंड मेंबर बन गया। अगर ये फर्स्ट मेंबर था तो ये बन गया सेकेंड मेंबर। अब फिर से क्या करूंगा, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे आया, ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दूंगा। देखो ध्यान से, बाकी पूरा कंपाउंड एज इट इज सी एच थ्री था, अब क्या रह गया, सी एच टू। एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया एंड वो एक हाइड्रोजन बाहर निकाल के मैंने क्या लगा दिया, अगेन सी एच थ्री। क्लियर? बेसिकली सी एच टू ऐड करते जा रहे हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन को बाहर भी तो निकाल रहे हैं। एंड फिर इसी का फोर्थ मेंबर, बस आगे आगे करते चलो। अगेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा, एकदम लास्ट वाले पे ही ऐड करना है, बीच में कहीं पे एडिशन नहीं होंगी, ठीक है। सी ओ एच, सी एच टू, यहाँ सी एच थ्री था, सी एच टू रह गया एंड एक सी एच थ्री और आ गया। फिर फिफ्थ वाले में क्या बनेगा, आपको पांच और बनाने हैं, एक तो आपको दिया ही था, मतलब आपको सिक्स तक जाना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा देखो सी एच थ्री, एक कार्बन और आ जाएगा बीच में, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी ओ एच एंड फाइनली अगेन एक सी एच थ्री लगा दिया एंड पहले से क्या है अपने पास, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी ओ एच। क्लियर? बेसिकली हाइड्रोजन बाहर निकालते जाना है एंड सी एच थ्री लगाते जाना है। अब जैसे बी वाला है, बी वाले में अपने पास है सी एच थ्री, सी ओ, सी एच थ्री, तो ये कीटोन है एंड हमें फंक्शनल ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब ये चीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए एंड बीच में कहीं पे भी सी एच थ्री इंसर्ट नहीं करना है, एकदम कोने पे जाना है। तो ये एंड ये दो कोने हैं एंड दोनों के दोनों सेम है, तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं। मान लो मैंने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन बाहर निकाल के बचा सी एच टू, अब उसकी जगह लगा दिया सी एच थ्री, तो ये बन गया अपना सेकेंड मेंबर। अब वहीं पे आगे कंटिन्यू करते जाओ, जहां पे एक बार कर दिया बस वहीं पे कंटिन्यू करते जा रहे। तो थर्ड मेंबर में क्या आएगा, सी एच थ्री, सी ओ, सी एच टू, फिर से यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो रह गया सी एच टू एंड उसकी जगह क्या लगा दिया, सी एच थ्री। फिर बारी आती है फोर्थ की, तो सी एच थ्री, सी ओ, सी एच टू, सी एच टू, एक हाइड्रोजन फिर से बाहर निकाल दिया, फिर से लगा दिया सी एच थ्री। सबसे आसान तरीका है, ठीक है। एंड फिफ्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर कैसे बनाओगे, फिर से लास्ट में जाते जाते पूरा कंपाउंड सेम रहेगा, आपको पूरा बनाना है एंड सी एच टू रह जाएगा ये, फिर एक सी एच थ्री और आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप आगे सिक्स मेंबर भी बना सकते हो एंड सी में है एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अरे इसमें तो हाईलाइट भी कर रखा है कि ये हाइड्रोजन निकालना है, भाई कहीं गलत हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है। वैसे तो आप कोई भी निकाल सकते हो लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है एज सच, ठीक है। तो हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो क्या रहा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एंड उसकी जगह क्या लगा दिया आपने, सी एच थ्री। अब जहां पे नया सी एच थ्री लगाया वहीं से हाइड्रोजन बाहर निकालना है, मतलब अब ये रह जाएगा सी एच टू एंड हाइड्रोजन बाहर निकाल के वहां पे क्या लगा दिया है मैंने, एक सी एच थ्री। आगे आगे करते जाओ। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।